चक्रवात तिवार के 25 नवंबर को तट से टकराने की आशंका है और इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। फिलहाल चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। देखिए रिपोर्ट। आ रहा है चक्रवाती तूफान निवार, NDRF ने 30 दलों को किया तैनात, राहत और बचाव कार्य के लिए कसी कमर, तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश। NDRF ने चक्रवात निवार के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 30 दलों को तैयार किया है। यह तूफान मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। NDRF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 12 दलों की पूर्व तैनाती कर दी गई है, वहीं 18 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तैनाती के लिए तैयार हैं। इन दलों को प्रभावित क्षेत्रों से स्थानीय लोगों को निकालने में सहायता पहुंचाने समेत राहत और बचाव कार्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए तैनात किया जाएगा। NDRF के एक दल में कार्यों को देखते हुए करीब 35 से 45 जवान होते हैं और उनके पास पेड़ और खंभों को काटने की मशीनें, सामान्य दवाएं और प्रभावितों की मदद के लिए अन्य संसाधन होते हैं। तमिलनाडु की तरफ से तेजी से बढ़ रहे भीषण चक्रवात निवार के 25 नवंबर को तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। फिलहाल चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चक्रवात के खतरे से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। इसमें जिला प्रशासनों को तत्पर और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंगलवार से अगले आदेश तक 7 दिनों में अंतर जिला बस सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कुछ जिलों में ट्रेनें भी आंशिक या पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। और इसी बीच